हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम डिस्कस करेंगे कैंसर साइंस के अगले स्टेप को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका अगला स्टेप है। देखिए गाइस, जो एंजियोजेंसिस होता है जनरली, जिसको एंजियोजेंसिस कहते हैं, तो अब इसमें जो एंजियोजेंसिस स्टेज है, एंजियोजेंसिस में फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेजल्स, नया ब्लड वेजल्स बन जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जो आर्टेरियल ब्लड वेजल्स होती हैं, वेन ब्लड वेजल्स होती हैं, कैपिलरी होती हैं, तो एंजियोजेंसिस में ब्लड वेजल्स बन जाती हैं और इसलिए काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट मोड हो जाता है। और जो मेटास्टेसिस एक स्टेज आती है, मेटास्टेसिस में क्या होता है कि स्प्रीड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो स्प्रीड कर जाता है, वो फैल जाता है, वो एक जगह से दूसरे जगह बड़ी तेज़ी से, मतलब अपने नेबरिंग सेल्स में, अपने बगल की सेल्स में वो जाके उसको इन्फेक्टेड करते हैं। और इसमें सेल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सेल बदल जाते हैं, सेल की पूरी रचना, सेल की पूरी मैकेनिज्म बदलने लगती है, जिसको कहते हैं सेल ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसलिए इसका एक नाम है, मतलब सेकेंडरी ट्यूमर भी इसको कहते हैं। तो गाइस, जो मेटास्टेसिस है, ये एक सेकेंडरी ट्यूमर होता है और इसमें सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जो बिनाइन ट्यूमर है और या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, तो जो बिनाइन ट्यूमर है, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं, उसमें मेटास्टेसिस होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रेजेंट में एक्टिव मोड में होता है। तो गाइस, मतलब ये दो तरीके के ट्यूमर में मेटास्टेसिस जो अभी भी डिस्कस हुआ, बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होता है। गाइस, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर की वजह से एंजियोजेंसिस करता है, ये ग्रोथ फैक्टर की वजह से एंजियोजेंसिस करता है। तो गाइस, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एंजियोजेंसिस होता है। और उसमें एक स्टेज आती है, एक टर्म यूज़ करते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या? एपोप्टोसिस का मतलब होता है, ये अनफिक्स्ड प्रॉब्लम होती है, ये एक अनफिक्स्ड प्रॉब्लम है, जिस जो क्या करती है, प्रोग्राम सेल डेथ, जो सेल्स को मारने लगती है, सेल्स को डेथ करती है, सेल्स को ख़त्म करने का एक प्रोग्राम चलाती है, और जिसको मतलब सेल फ्रेगमेंट कहते हैं, और सेल को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करती है। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ है, जो पूरे सेल्स को डेथ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है एपोप्टोसिस के ज़रिए। तो गाइस, ये हो गया एपोप्टोसिस। तो गाइस, इसमें जो अब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, जो पूरा सेल साइकिल चलता है, जो G1 है, G2 है, S फेज है, तो इसमें जो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, ये एक फिक्स्ड प्रॉब्लम होती है। और ये किसके थ्रू होता है? ये P53 जीन होता है, जिसके ज़रिए सेल साइकिल, पूरी की पूरी सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है। तो गाइस, इस तरीके से हमने इन सभी चीज़ों को देखा, चाहे वो एंजियोजेंसिस हो, मेटास्टेसिस हो, और बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो मेटास्टेसिस किस तरीके का पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें।